देखो बच्चों, आज से मैं कुछ ऐसी चीज़ चालू कर रहा हूँ जो आपके बहुत काम की है। अभी क्या है, देखो महाराष्ट्र बोर्ड जो है ना, महाराष्ट्र बोर्ड, उसका नया सिलेबस आ चुका है मैथमेटिक्स का, है ना। तो मैथमेटिक्स का नया सिलेबस आ चुका है तो मैं वो चालू करता हूँ। जो फर्स्ट मैथमेटिक्स है वो सिंपल है, हो जाएगा, उसको बाद में करेंगे। अभी अपन चालू करते हैं, पहला चैप्टर है उसका, उस चैप्टर का नाम है, उस चैप्टर का नाम क्या है, बता बता बता, तुम बोलो, उस चैप्टर का नाम है डिफरेंशिएशन। क्या नाम है? डिफरेंशिएशन, वो चालू करते हैं। देखो एक्चुअली डिफरेंशिएशन मैं पढ़ा चुका हूँ पहले, अगर आप मेरे यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो डेरिवेटिव मैंने फिनिश कर दिया है, सब फॉर्मेशन पढ़ा दिया, कम से कम मैंने 50 लेक्चर से ऊपर डेरिवेटिव के ऊपर ले चुका हूँ, मतलब सब पढ़ा दिया मैंने, ठीक है ना। जो थ्योरी थी, जो तरीका था, सब टीच कर दिया मैंने। टोटल इंटीग्रेशन के तो 100 लेक्चर है, इंटीग्रेशन के जो आप आज से 2 महीने बाद, तो क्या 4 महीने बाद पढ़ोगे, वो मैं पढ़ा चुका हूँ 100 लेक्चर, और 50 लेक्चर के पास लगभग 40 लेक्चर के आसपास मैंने डिफरेंशिएशन फिनिश कर दिया। बट बच्चों का बोलना है कि सर अभी नया सिलेबस आ चुका है तो उसके अनुसार आप सोल्व करवाए, और आप एक एक क्वेश्चन सोल्व करवाए, मतलब जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सोल्व कराए, ठीक है ना। ओके, तो मैं आज से डिफरेंशिएशन चालू कर रहा हूँ, और डिफरेंशिएशन के मैं शुरुआत में, देखो डिफरेंशिएशन के सब कराऊंगा, बट जो सबसे पहले जो चालू करने जा रहा हूँ ना, वो है डिफरेंशिएशन ऑफ क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, ठीक है, मतलब फंक्शन ऑफ फंक्शन, मतलब चेन रूल, ठीक है ना। अब चेन रूल पर मैं डिस्कस पहले कर चुका हूँ कि चेन रूल एक्चुअली होता क्या है, अभी मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन चालू करूँगा। अगर तुम्हें समझना है कि आखिर में चेन रूल होता कैसे, लगता कैसे, ये सब चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ, बट अभी मैं क्वेश्चन सोल्व करूँगा यहाँ पे, और ज़्यादा थ्योरी की डिस्कस नहीं करूँगा। फार्मूले जो है वो लिख दूंगा इधर, और फार्मूले तुम्हें पढ़ना है, जब भी आप लेक्चर देखो तो फार्मूले की लिस्ट सामने रखो, उसको देखते जाओ फार्मूले को, बस कुछ टाइम बाद वो फार्मूले अपने आप क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों समझ में आई ये बात, मैंने क्या बोला है तुम लोगों से, समझ गए, बस ये है। और अब मैं जो लेक्चर होंगे ना, ये वाले लेक्चर, इनको मैं आराम से पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, ज़्यादा फॉरवर्डिंग नहीं करूँगा। 1.1 डिफरेंशिएशन चालू करते डिफरेंशिएशन है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और डिफरेंशिएशन के अंदर जो फर्स्ट पढ़ाने वाला हो ना, कंपोजिट फंक्शन, ये अगर तुमने कर लिया, इसके सब क्वेश्चन तुमने सॉल्व कर दिए, तो आगे जो अगली एक्सरसाइज है, मतलब वो सब अपने आप क्लियर हो जाएगी। मतलब डिफरेंशिएशन पढ़ाने जा रहा हूँ, ये फॉर्मेशन, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, ये जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, चेन रूल, मतलब चेन रूल समझ लो एक तरह से, ये इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर इसे करने के बाद, इसके सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद, ये क्लियर होने के बाद डिफरेंशिएशन 50% फिनिश हो जाएगा, 50% अपने आप। बाकी 50% में क्या होगा, अगले फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट में यही चीज यूज करना है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। अब मैं करता रहूंगा क्वेश्चनों को, तुम देखते रहना वहाँ पे, पर बट मैं कभी कभी क्या है कि कुछ अदर क्वेश्चन भी लूंगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन। श्री गणेश करते पहला क्वेश्चन, वाई इक्वल टू, जैसे क्वेश्चन में अगर ये क्वेश्चन ऐसे दे रखा हो तो वाई क्या करोगे, लेट कर लोगे। अच्छा देखो, फार्मूले तुम्हें आते हैं ये मैं समझता हूँ, पर फिर भी जो फार्मूले काम आएगा ना, जो फार्मूले यूज होंगे ना राइट नाउ क्वेश्चनों में, वो लिखूंगा मैं। तो जैसे x रेस्ट पावर एन है ना, इसका फार्मूला क्या होता है, एन इंटू एक्स रेस्ट टू पावर एन माइनस वन, ये होता है। तो ये विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहा हूँ, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहा हूँ, तो एक्स होगा नीचे, एक्स टू द पावर एन, एन क्या है यहाँ पे, कॉन्स्टेंट है, तो क्या होगा, एन इंटू एक्स रेस टू पावर एन माइनस वन, मतलब पावर में से एक हमेशा माइनस वन होगा। जैसे मान लो तुमसे बोल दिया जाए कि एक्स स्क्वायर का डेरीवेटिव करो, एक्स स्क्वायर का डेरीवेटिव करोगे तो कैसे डेरीवेटिव करोगे, टू, और टू माइनस वन है ना,
टू माइनस वन, इसका मतलब टू एक्स आ गया। ओके, जैसे ये है क्वेश्चन, ये कंपोजिट फंक्शन वाले। अच्छा, प्लस माइनस इंटू और डिवाइड, ये सब इलेवंथ के पढ़ चुके हो तुम, तो वो छोड़ो, तुम इलेवंथ वाली जो चीज़ें पढ़ चुके हैं वो तुम्हें आती है, फार्मूले भी आते हैं, प्लस माइनस इंटू डिवाइड, वो जब आएगा तो मैं बताऊंगा, डिवाइड अगर आया, मल्टीप्लाई आया तो वो मैं समझा दूंगा, बट वो नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्ट चालू कर रहा हूँ मैं 1.1। इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन, कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन, ठीक है। तो देखो जैसे लिखा है एक्स रेस टू पावर 5, इसका डेरिवेटिव करना है तो कितना आएगा, 5 इंटू एक्स रेस टू पावर 4, ठीक है। बट चूंकि ये एक्स लिखा ना, इसका भी डेरिवेटिव होता है ना भाई, अगर आपसे बोल दिया जाएगा डी अपॉन डी एक्स, एक्स का डेरिवेटिव करो वो होगा 1, इसलिए हम लिखते नहीं है, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्या होगा, 1 होगा। अब तुम बोलोगे सर 1 कैसे होगा, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, कैसे, देखो डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स रेस्ट पावर 1 माइनस 1, तो ये होगा एक्स रेस्ट पावर 0 मतलब 1। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी तुमसे कोई पूछे d अपॉन dt और t के रिस्पेक्ट में t का 1, फिर तुमसे कोई पूछे कि d थीटा है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा पर विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो 1 हो जाएगा ये सब, थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। हां, पर याद रखना अगर जैसे आपसे कोई पूछे कि d अपॉन dx 5 का डेरिवेटिव करो, तो ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब कि कांस्टेंट जो होगा ना, कांस्टेंट उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0 0 0। अब तुम पूछोगे सर क्यों होता है कांस्टेंट का, वो अपन में पढ़ चुके हैं, बट फिर भी मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा, मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 क्यों होता है। बट हाँ, अगर कोई कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ में है तब 0 नहीं होगा। जैसे और ये लिखा 1/5, ठीक है ना, वो बोले कि इसका डेरिवेटिव करो, तो तुम कैसे डेरिवेटिव करोगे, डी अपॉन डी एक्स, ये 5 तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव करना है तुम्हें, किसका, एक्स रेस टू पावर 1/5 का, ठीक है ना, किसका डेरिवेटिव करते हैं, एक्स रेस टू पावर 1/5 का, तो इंटू, अब इसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तो देखो 1/5 इंटू 1/5 पावर में क्या आएगा, 1/5 माइनस 1, तो ये 5 पावर कितना होगा, माइनस का 4/5। चलता रहेगा, अगर ये नहीं करता मान लो, ये कुछ और होता तो मल्टीप्लाई होता उसका, बट अगर ये 5 है तो कैंसिल हो गया, ठीक है, और 5 जैसे करोगे तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, बट कांस्टेंट डायरेक्ट आएगा उसका डेरिवेटिव, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं उसके अंदर एक्स नहीं है तो कांस्टेंट है, मतलब ये समझ लो बस भाई, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव कर रहे हैं अपन, एक्स के सापेक्ष डेरिवेटिव कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं अवकलन, अवकलन इंग्लिश में क्या है, डिफरेंशिएशन या डिफरेंशियल या डेरिवेटिव, सब लोग एक जैसे ही बोलते, तीनों एक ही बात, ठीक है। तो ठीक है, कांस्टेंट 0 हो गया, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो गया, ठीक है, एक्स स्क्वायर कितना होगा, 2x हो गया, एक्स रेस्ट पावर 5 का, हाँ इस पर बात कर रहे थे अपन, बट ये सब चीज़ें इससे इंटरकनेक्ट है, इसलिए मैंने अच्छा एक और चीज, जैसे चलो रूट एक्स का डेरिवेटिव, रूट एक्स का डेरिवेटिव में तुम्हें बताना चाह रहा हूँ कि रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, बट अभी रुको इसको बता दो, पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखो तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, क्यों लिखा मैंने, क्योंकि इधर साइड एक्स है, इसलिए अगर टी होता तो टी लिख देता, ठीक है ना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, ऐसा वो बोलेगा, जब भी कोई क्वेश्चन देगा ना तो वो बोलेगा कि यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे लिखा होगा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये लिखा होगा ऐसा ऐसा, ठीक है, या फिर क्या लिखा होगा, या फिर ये लिखा होगा डी वाई अपॉन डी एक्स, ये लिखा होगा, तो ये क्या होगा, 5 पावर है ना, तो ये 5 पावर सामने आ गई, इसकी पावर कितनी बचेगी, मतलब ये 5 पावर सामने आएगी, बट ये x तो लिखना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, x क्यूब माइनस 2x माइनस 1 की पावर 4, ये वाला फॉर्मूला है ना, 5 माइनस 1 मतलब 4, बट चूंकि जैसे मैं तुमसे बोलता कि तुम x रेस टू पावर 5 का डेरिवेटिव करो, तो तुम क्या करते, 5 इंटू एक्स रेस टू पावर 4 और छोड़ देते यहाँ पे,
बट यहाँ पर x का भी होता तो उसका 1 होता है, x का भी डेरिवेटिव होता है, तो वो एक सिंपल फंक्शन होता है इसलिए 1 होता है, छोड़ देते। बट ये कंपोजिट फंक्शन है, इसका मतलब यहाँ पे डेरिवेटिव किसका होगा? इसका होगा x cube minus 2x minus 1 की होल पावर, होल पावर नहीं, होल पावर, तो होल पावर जो अंदर है ना उसका होगा। ठीक है बच्चा, कोई डाउट है तो बोलो 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 बोलो। ठीक है, ऐसा नहीं, इसका मतलब देखो, मैं तुम्हें एक नया सा एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, एक स्टेटमेंट बस, उससे ये जो है ना कंपोजिट फंक्शन वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकल जाएगा। कैसे? जब भी तुम डेरिवेटिव करोगे ना किसी भी फंक्शन का, तो पहले आउटर फंक्शन का करना, आउटर मतलब जो बाहर हो, ऊपर वाला है ना, पावर हो या फिर 1/2 हो, उसका करोगे, आउटर फंक्शन का करोगे, उसके बाद इनर फंक्शन का करोगे, बस खत्म होगी बात। जैसे ये क्वेश्चन में आउटर फंक्शन कहता है 5 पावर है और इनर क्या है ये, तो देखो पहले ये किया इसका, फिर इसका कर रहा हूँ। ये हो गया 5, ये हो जाएगा x क्यूब। अब जिसका हो चुका ना उसको कुछ नहीं करेंगे आप, इसका डेरिवेटिव हो चुका तो इसको छोड़ दो। अब इसका डेरिवेटिव करोगे, देखो x क्यूब का कितना हो गया 3x² माइनस 2x का 2 और 1 का 0, क्योंकि 1 क्या है कांस्टेंट, ये 1 है, 1 1 इसका 0 0 0 0 बस ये चला गया। अब वो चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं, ये 5 और ये हो गया 3x² माइनस 2 और ये हो गया x क्यूब माइनस 2x माइनस 1 ये होल पावर 4। ठीक है बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, बोलो बोलो बोलो, कोई डाउट है? ठीक है, तो देखो अभी ये पूरा लेक्चर देखो, सब समझ में आएगा धीरे धीरे, है ना। इसकी सीरीज बनाऊंगा कम से कम, याद, मैं ये जो कंपोजिट फंक्शन है ना इसके ऊपर कम से कम मिनिमम 5 लेक्चर लूंगा, 5 लेक्चर से ऊपर लूंगा, है ना, ओके। और अगर वो छोटे छोटे टाइम के हुए तो 10 लेक्चर हो, अगर बड़े बड़े आधे घंटे से ऊपर हो तो कम से कम 5 लेक्चर। ठीक है, ओके, मतलब मुख्य सब क्वेश्चन कराऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब कराऊंगा, और आर डी शर्मा के और आर एस अग्रवाल के भी कराऊंगा। बोलो, तो पहला क्वेश्चन बच्चों से फिनिश किया और सब लोगों को समझ में आया। ठीक है, अब देखो अगला करते हैं। ठीक है, देखो अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है? सेकंड क्वेश्चन ये बोलता है कि y इक्वल टू 2 into x रेस टू पावर 3/2, x रेस टू पावर 3/2 माइनस 3 x रेस टू पावर 4/3, x रेस टू पावर 4/3 माइनस 5, x रेस टू पावर 4/3 माइनस 5। ठीक है, इसकी होल पावर लिखिए 5/2, ये क्वेश्चन है। दिशु, दिशु, ठीक है, बोलो 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 बच्चे प्यारे, बोलो, कोई डाउट है? ये क्वेश्चन है, अब देखो इसको आराम से करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला, यही फॉर्मूला है जो अपन बार बार यूज कर रहे हैं, कौन सा, x रेस टू पावर n, क्या होता है n इंटू x रेस टू पावर n माइनस 5। अच्छा, जैसे तुमसे बोल दिया जाए, चलो इसको करते हैं, जैसे तुमसे बोल दिया जाए कि डिफरेंशिएट करो x रेस टू पावर 5/2 को, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसको डेरिवेटिव करो, 5/2 का डेरिवेटिव निकालो, तो कैसे करोगे बताओ। बोलो बच्चों, बोलो कैसे करोगे, बोलो। इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए देखो, ये होगा 5/2 मल्टीप्लाई में आएगा इसके अनुसार, ये देखो, फिर ये पावर में क्या है 5/2 - 1, तो 5/2 - 1 इसका मतलब 5/2 x रेस टू पावर कितना हो जाएगा 3/2, ये 2 5 - 2 मतलब 3/2, तो इसका मतलब कितना होगा 3/2, और फिर वापस जो x है उसका भी होगा, तो उसका कितना होगा 1, इसलिए तो लिखते नहीं। बट अगर x के प्लेस पे कुछ और हो तो उसका करना पड़ता है। जैसे देखो एक एग्जांपल देता हूँ, मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा ये चीज़ें बार बार। जैसे मान लो तुमसे बोल दिया जाए कि साइन x का डेरिवेटिव करो, साइन x का डेरिवेटिव करो, तो ये क्या आएगा cos x, ठीक है ना, साइन x का डेरिवेटिव क्या होगा cos x, ठीक है ना। बट अगर तुमसे बोल दिया जाए कि डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर x का डेरिवेटिव करो, फंक्शन का मतलब जो बाहर है उसका, और फिर इनर फंक्शन का, तो पहले पावर 2 इसका कर देते 2 sin x, अब पावर के अंदर कौन है, sin x है ना, तो sin x का वापस हो गया, तो ये हो गया cos x। इसको क्या लिख सकते हो, sin 2x, ये sin 2x का फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलो ये चीजें मैं बताऊंगा अभी 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 पढ़ेंगे, चलो इस पे आओ। तो देखो 5/2 था तो 5/2 - 1, तो कितना होगा 5/2 - 1, इसका मतलब 3/2, ये हो गया। ठीक है, अब देखो ये करते हैं, ये करते हैं।
तो यहाँ पे dy अपॉन dx लिखेंगे, ठीक है ना भाई? यहाँ पर एक बार dy dx लिखने बताना पड़ेगा आपको, क्यों? क्योंकि आप डेरिवेटिव करो ना, तो आपको बताना पड़ेगा ना, ये डेरिवेटिव का ऑपरेटर होता है। ये क्या होता है? डेरिवेटिव का ऑपरेटर होता है। इससे ये पता चलता है कि आप किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो ये लिखना जरूरी है एक बार। ये हो गया, देखो आप इसका करोगे तो ये 5/2, ये 5/2 इसकी पावर में, पावर तो जो लिखी है वो पावर में कितनी कम हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 3/2, ये वैसे ही आएगा 3 x^2 यही वाला, तो इसकी पावर कितनी आ गई 3/2। बोलो 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 बच्चे प्यारे बोलो। अब देखो यहाँ भी ऐसे ही किया था, बट ये x था तो इसका 1 हो गया। अब यहाँ पे क्या है, इनर फंक्शन ये इतना बड़ा है, इसका मतलब इसका भी डेरिवेटिव होगा, ठीक है? तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? इसका डेरिवेटिव होगा डेरिवेटिव ऑफ कितना, 2 x^3/2 -3 x^4/3 -5 ये बोलो 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 प्यारे बच्चे बोलो, ठीक है? इसको कुछ नहीं करेंगे, इसे लिख दो वैसे ही, तो कितना हो गया देखो, ये हो गया 5/2 और कितना होगा 2 - 3 4/3 -5 की होल पावर 3/2, ठीक है? ये क्या है देखो, अगर मैं कुछ फॉरवर्डिंग करूंगा ना, तो फॉरवर्डिंग में यहाँ पे करूंगा। अब देखो मैंने इसको लिखा ना भाई, यहाँ से यहाँ पे कॉपी किया मैंने, यहाँ से यहाँ पे कॉपी किया, तो इसमें क्या एक्सप्लेन करूँ? तो इस चीज को मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ, तो उससे क्या होता है, टाइम बचता है। टाइम मतलब जो वीडियो फॉरवर्डिंग से ये होता है कि जो वीडियो आधे घंटे के होते हैं ना, 30 मिनट के, वो वीडियो 27 मिनट के, जो 30 मिनट का जो वीडियो होता है वो 21 मिनट या 22 मिनट में जाता है, मतलब 10 मिनट का फर्क पड़ता है। फॉरवर्डिंग वही करता हूँ जहाँ पर कोई मतलब नहीं होता। जैसे ये मैंने डिफरेंशिएट किया, ये मैंने एक्सप्लेन किया साइड में, अब मैं इसका डिफरेंशिएट करूँ, वह है मैं सिंपल हो जाऊँगा। बट ये जो चीज़ है ना, ये तो मैंने कॉपी की ना, तो इसमें क्या एक्सप्लेन करूँ, इसलिए वहाँ पे मैं ठीक है, तो थोड़ा अंडरस्टैंड करो, ठीक है? अब देखो इसका देखो, ये हो गया 2, इसका डेरिवेटिव कितना होगा 3/2 x^3/2 -1, ठीक है? फिर -3 4/3 और x^4/3 -1 और इसका 0 हो गया। यहाँ पर ये 2 से x^3 बचा है, तो ये हो गया 3, x^4 कितना बचेगा बोलो, 1/2 -1, तो इसका मतलब कितना हो गया, इसका मतलब 1/2 ये -4 और x^1 ये हो जाएगा 3, मतलब 1/3 अरे बोलो बोलो बोलो, ठीक है? अब इसको तो 5/2 इसको आगे लिख दो, तो ये हो जाएगा 3, ये रूट एक्स लिख दो माइनस है ना 4x^1/3 और ये जो लिखा हुआ है 3/2 ये वाला है ना, कॉपी कर दो यहाँ पे यार, ये स्टार यहाँ लगा दो। बोलो 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 बच्चे प्यारे बोलो, बिश बिश। तो बताओ ये चीज समझ में आई, ये क्वेश्चन कोई डाउट है? ठीक है देखो, पावर थी, पावर इनटू में लाए और इसकी पावर एक कम हो गई, तो 5/2 -1 5/2 -1 5/2 -1 3/2। फिर ये आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या, अब इनर फंक्शन मतलब ये वाला, इसका डेरिवेटिव ये, तो बस इसका डेरिवेटिव देखो 3/2 सामने 3/2 -1 मतलब 1/2, 3 तो पहले से लिखा था तो 4/3 4/3 -1 मतलब 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से 2 ये बच गया। बोलो 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 बोलो,
आजकल क्या हो रहा है कि इंटरनेट धीमे चल रहा है, तो इंटरनेट जब धीरे चल रहा है तो वो अपलोड करता हूँ तो नहीं होता अपलोड यार, इसलिए मैं छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूँ। जैसे मान लो एक घंटे का वीडियो बन ही नहीं पा रहा, एक घंटे में 2 GB 3 GB लगता है, 3 GB पूरी रात भर डाउनलोड नहीं होता है, 1 GB जो होता है वो हो जाता है, और 1 GB का वीडियो लगभग 20 मिनट से ऊपर का ही बनता है। तुमसे बोल दिया जाए कि रूट एक्स का डेरिवेटिव निकालो, क्या बोले? रूट एक्स का डेरिवेटिव निकालो, तो कैसे निकालोगे? इस रूट एक्स को लिख दोगे तुम एक्स रेस टू पावर 1/2, तो क्या आएगा? 1/2 एक्स रेस टू पावर 1/2 माइनस 1, इसका मतलब 1/2, इसका मतलब किसका डेरिवेटिव निकाला तुमने? तुमने निकाला रूट एक्स का, तो वो क्या आया? 1/2 अंडर रूट एक्स। ये जो है ना, ये क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन था, ये रूट एक्स का है, 1/2 रूट एक्स, तो याद रखो ये क्वेश्चन है, ऐसे सॉल्व करेंगे, बट ये इसका रिजल्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जो भी रूट में आता है ना, 1/2 रूट एक्स होता है। जैसे रूट साइन एक्स है तो उसका 1/2 रूट साइन एक्स और साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा, ऐसे डायरेक्ट करो उसको, ठीक है? अब ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा इसके अंदर, देखो कैसे, ये रूट एक्स है पूरा पूरा, तो कितना हो गया 1/2 रूट एक्स, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7, देखो ये, बट ये x था ना, तो x का डेरिवेटिव 1 होता है, बट ये क्या है, इसका करना पड़ेगा। ऊपर आएगा कैसे? देखो कैसे? ये आया x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7, इसका मतलब कितना हो गया? 1/2 अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 इंटू, इसका कितना होगा x स्क्वायर का? 2x प्लस 4, 7 का 0, तो ऊपर से मैंने 2 कॉमन लिया तो होगा x प्लस 2, और ये 2 कैंसिल कर दिया मैंने, तो कितना हो गया रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7, बोल रहा हूँ ये 2 कॉमन और नीचे से 2 दृश्य, ठीक है? कैंसिल किया x प्लस 2, रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7, ठीक है? बोलो 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 प्यारे बच्चे बोलो, ठीक है? तो देखो चीजें, अब देखो मैंने 3 क्वेश्चन करवाए, बस 3 क्वेश्चन में, ये 3 क्वेश्चन लगभग पूरे हुए, इस 3 क्वेश्चन में कितना टाइम हो गया, और 3 क्वेश्चन में कम से कम 20 मिनट से ऊपर का वीडियो हो गया, ये 20 मिनट से ऊपर का, 20-25 मिनट के बीच में हो गया है, जब मैं इसको फॉरवर्डिंग करूँगा तब, ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें, तो अब धीरे धीरे लगे हूँ, अब मैं आने वाले टाइम में 1-2 दिन के अंदर जल्दी जल्दी वीडियोज़ बनाता हूँ और अपलोड करता हूँ, ठीक है ना? जब तक इजाजत दीजिए, ठीक है? तो सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए, और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। ओम शांति शांति शांति।